Red Indies. Shuffle, shuffle. Oh. Red Indies. Shuffle. Shuffle chat. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम किया होता है, ये वो, हम आते हैं उनसे काम के बारे में बात करते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं, हम अपनी चाय पीते हैं मशीन की. बट यहाँ पर मेरे साथ सनी बैठे हैं, सनी हुज कम ऑन अ रेनी डे एंड इज, उनका मैं बायो देख रहा हूँ तो इतनी सारी पिक्चरें, इतना काम, लाइव शोज, यू नो, लॉट ऑफ म्यूजिक हैपनिंग, लॉट ऑफ अरेंजमेंट हैपनिंग. आई डोंट नो वेयर टू बिगिन सनी, आई डोंट नो वेयर टू बिगिन. वेलकम टू रेड एफएम. हाय ऋषि, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल. अच्छा मुझे बताइए, सनी के आगे एक एमआर लगा हुआ है? करेक्ट. लोगों के नाम के पहले एमआर लगता है, सनी के बाद में एमआर. बाद में, इसके लिए मैंने डॉट डाल दिया ताकि लोगों को लगे कि एब्रिविएशन. वो है नहीं, बट फिर भी. अच्छा, वो क्या है एमआर? एमआर एक्चुअली इट्स अ लाइक अ गिवन नेम बाय समवन. अच्छा, तो देयर इज नो स्पेसिफिक दिस थिंग, बट जस्ट सब किसी ने दे दिया था. तो आपको इंडस्ट्री में लोग सिर्फ सनी बुलाते हैं या वो एमआर यूज होता है? एमआर यूज होता है, मतलब जो लोग जानते हैं वो लोग सनी बुलाते हैं, नए लोग हैं तो एमआर बुलाते हैं. चलो हम आपको जानते हैं तो मैं आपको सनी बुलाएंगे. एकदम डन. सनी, आपके बनाए हुए इतना म्यूजिक क्रिएट किया हुआ है, इफ यू हैव टू काउंट, हाउ मेनी आर दीस, हाउ मेनी मूवीज आर दीस? आई हैव नो आईडिया, इट मस्ट बी एटलीस्ट 70-80 प्लस. वाओ वाओ, आई थिंक. आपका फेवरेट म्यूजिक पीस आपको कौन सा याद रहता है जो आपने बनाया और आपको हमेशा याद रहता है कि यार ये दिस वाज, ये तो मुझसे भी कैसे बन गया, मुझे याद नहीं है. होता होगा ये, मुश्किल है एक्चुअली. बट रिसेंट हां में गलत करके तो उसमें वो काफी एक ओवरऑल यूनिकनेस आया था, जो इवन आई वाज सरप्राइज अ लिटिल लेटर एंड मेनी पीपल लाइक अप्रिशिएटेड इट, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट. सो डज इट हैपन व्हेन समबडी लाइक्स अ सॉन्ग, सपोज उन्हें पता है कि फलां उसका म्यूजिक डायरेक्टर है, तो व्हेन दे टेल यू कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है एंड देन यू टेल देम कि ये जो आपने ये म्यूजिक पीस ये मैंने बनाया है, हाउ इज द रिएक्शन यूजुअली? सो एक्चुअली ऐसा होता है बहुत बार, मतलब obviously सब लोग credits नहीं पढ़ते, it's not their mistake. तो वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये गाना ना चन्ना मेरे उसके जैसा कुछ बनाने का. तो मैं हाँ चन्ना मेरे तो ठीक है, मैंने प्रोड्यूस किया. सो अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है वैसा कुछ. तो वो होता है काफी बार, लोग सरप्राइज भी हो जाते. आई रियली, मैंने कभी किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को नहीं बोला है, बट आई डोंट नो, अभी आप म्यूजिक डायरेक्टर हो तो गाना तो गा के सुनाना पड़ेगा. गाना गा करके, हाँ ओके ठीक है, गाना कौन सा सुना, मैं वही सोच रहा हूँ. गाए जा ही गा देता हूँ एक्चुअली. सो फोर लाइंस फ्रॉम इट. तो ना है सगा ना मेरा ना ये है तेरा, तो आज को कल पे टाल के कह रहा मन मेरा, करेंगे करेंगे ऐसा भी रश क्या, हूँ जरा लेट मैं छोड़ना बस क्या, सोफे पे बैठ के या तो फिर लेट के, ले रहा हूँ अभी रूह का जायका, ना हूँ मैं फोन पे मैं तो हूँ जोन में, ना फैला दे कोई अब यहाँ रायता, ना बनी बात है ना बने बाल है, गा रहा दिल मेरा बेवजह गाए जाए. सो ये गाना एक मतलब एक रिफ्लेक्टिंग एवरीवन्स लाइफ आई थिंक, बिकॉज करेंगे करेंगे ऐसा भी रश किया, हूँ जरा लेट में छोड़ना बस क्या. जो लोग आपको इंडस्ट्री में जानते हैं वो अब जनता एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आपको कैसे जानेगी, आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी और क्या मजा आने वाला है? सो सबसे पहला चीज है, मजा आने वाला है कि खुद को मजा आना चाहिए. व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड एंजॉय इट. एब्सोल्युटली. काफी सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कांट येट टॉक अबाउट, बट डेफिनेटली लोग काफी सुनने वाले, मतलब आई एम गोइंग टू वेंचर इनटू कंपोजिंग नाउ फाइनली. आई विश यू ऑल द बेस्ट विद द न्यू सॉन्ग्स दैट आर कमिंग. थैंक यू सो मच एंड वी विल कीप बंपिंग इनटू ईच अदर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, माय प्लेजर टू बी हियर. रेड इंडीज शफल शफल. रेड इंडीज शफल शफल चैट.